मुंबई में हुए इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमले को 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज और ट्राइडेंट होटल के साथ साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला किया था। देश के कुछ बहादुर पुलिस कर्मियों और NSG के जवान ने इन आतंकियों का डटकर सामना किया और कई लोगों की जान बचाई। उनमें से 5 ने देश और देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए आज देश के उन 5 हीरों के बारे में जानते हैं। मुंबई ATS के चीफ हेमंत करकरे रात में अपने घर पर उस वक्त खाना खा रहे थे जब उनके पास आतंकी हमले को लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस से फ़ोन आया। हेमंत करकरे तुरंत घर से निकले और SP अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ मोर्चा संभाला। कामा हॉस्पिटल के बाहर चली मुठभेड़ में आतंकी हजमल कसाब और इस्माइल खान की अंधाधुंध गोलियां लगने से वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। करकरे ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट की जांच में भी अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई पुलिस के ASI तुकाराम ओंबले ही वह जांबाज थे जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब का बिना किसी हथियार के सामना किया और अंत में उसे दबोच लिया। उस दौरान उन्हें कसाब की बंदूक से कई गोलियां लगी और वह शहीद हो गए। शहीद तुकाराम ओंबले को उनकी जांबाजी के लिए शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अशोक कामटे मुंबई पुलिस में बतौर SP तैनात थे। जिस वक्त मुंबई पर आतंकी हमला हुआ वह ATS चीफ हेमंत करकरे के साथ थे। कामा हॉस्पिटल के बाहर पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल खान ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली उनके सिर में आ लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। एक समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का दूसरा नाम रहे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर कामा हॉस्पिटल के बाहर हुई फायरिंग में हेमंत करकरे और अशोक कामटे के साथ आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। शहीद विजय को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो थे। वह 26/11 एनकाउंटर के दौरान मिशन ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो का नेतृत्व कर रहे थे और 51 SSG के कमांडर थे। जब ताजमहल पैलेस और टावर्स होटल पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ रहे थे तो एक आतंकी ने पीछे से उन पर हमला किया जिससे घटनास्थल पर ही वह शहीद हो गए। मरणोपरांत 2009 में उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन 5 बहादुरों के अलावा हवलदार गजेंद्र सिंह, नागप्पा आर महाले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव और कई अन्य भी बहादुरी की मिसाल पेश कर गए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।